आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनाक त्यागी और हमारे खास शो क्या कहता है सनातन में आपका स्वागत है। और क्या कहता है सनातन में हम हर हफ्ते आपके लिए सनातन से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत को लेकर आते हैं जो आपको सनातन जीवन शैली के बारे में तमाम जो सवाल हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं उनके जवाब दे सके, आध्यात्म के और करीब ले जा सके। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ देवी चित्रलेखा जो हैं संत समाज से जुड़ रही हैं, मशहूर कथावाचक हैं। और देवी चित्रलेखा जो हैं बहुत ही कम उम्र में, अगर मैं कहूं कि सबसे युवा संत समाज से जुड़ने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो गलत नहीं होगा। और इनकी ख्याति देश विदेश में फैली है और इनको चाहने वाले, इनका अनुसरण करने वाले इनके भक्तजन जो हैं वो देश विदेश में इनके साथ जुड़े हुए हैं। देवी चित्रलेखा जी, आपका न्यूज नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। देवी चित्रलेखा जी, जिस उम्र में बच्चे जीवन की राह तलाश रहे जी, होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे जिस उम्र में बच्चे जीवन की राह तलाश रहे होते हैं, माँ बाप को फिक्र रहती है कि भाई वो किसी गलत राह पर ना निकल सकें, अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है, ऐसे में किस तरह से आप अध्यात्म से जुड़ी, पहले थोड़ा उसके बारे में जानूंगी और फिर जो आज कल की भागती दौड़ती जिंदगी की समस्याएँ हैं उस पर आपसे बात करूँगी। पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस श्रृंखला में बुलाने के लिए। बात जहाँ तक मेरे जीवन और अध्यात्म की है तो बड़ी कृपा की बात है ये मेरे ऊपर कि मेरा जो बचपन है वो पहले से ही धर्म से जुड़ा हुआ था, संतों के बीच मेरा बचपन गुजरा है। जब बच्चे खेलने के समय में बाहर खेलने जाते हैं, मैं उस समय संतों के बीच में रही हूँ, उनके सत्संग को सुना है, उनके प्रवचनों को सुना है, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है वृंदावन के पास। तो वृंदावन और वृंदावन के आसपास का जो इलाका है वो धर्म में है, या कह लीजिए कृष्ण में है, राधा में है। तो मुझे वो वातावरण बचपन से मिला, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और तब से ही मैं इस धर्म यात्रा, अध्यात्म यात्रा से जुड़ी हुई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आप जो हैं, आपको अध्यात्म की राह आपने पकड़ ली, किसी ने समझाया बैठ के कि भाई तुम्हें ये काम करना है, ईष्ट से जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है। आपके दादा दादी जो हैं उनका झुकाव बहुत ज़्यादा था संत समाज के प्रति, तो उन्होंने समझाया या खुद ब खुद आप जुड़ती चली गई? और अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मैं आपके बारे में पढ़ रही थी उसमें कहा गया कि मैं 7-8 साल की उम्र में आपने न सिर्फ पूरी एक 7 दिन की भागवत कथा भी बाँचती थी, ये सही है? जी बिल्कुल, मैंने 7 साल से ये कथा की जो यात्रा है शुरू की थी। और जैसा आपने कहा कि देखिए इसमें दोनों चीज़ होती हैं, एक हमारा पूर्वजन का अपना कर्म होता है, लेकिन वो कर्म तब उभर के बाहर आता है जब इस जन्म में आपको वो वातावरण मिलता है। तो मुझे वो वातावरण बचपन से मिला, मेरे दादा दादी जी, फिर माता पिताजी सब भक्ति से जुड़े हुए थे। और मेरे जो गुरुदेव हैं वो हमारे पारंपरिक गुरु थे, दादा दादी के थे, फिर माता पिताजी के हुए, फिर मेरे हुए। तो कहीं ना कहीं 7 साल से मैंने कथा शुरू की, लेकिन 4 साल की एज में ही गुरुजी ने मुझे दीक्षा दे दी थी। तो गुरु ने चुन लिया था कि तुमको इस काम में आगे बढ़ना है और तुम्हें भगवान का नाम प्रचार करना है। बस धीरे धीरे चीज़ें जुड़ती गई, घर में भक्ति का माहौल हुआ, फिर मैंने छोटे छोटे प्रवचनों से शुरू किया। फिर एक दिन गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम्हें 7 दिन की भागवत कथा कहनी है। तो सब थोड़ा सा डर रहे थे कि कैसे होगी, लेकिन जब गुरु का आशीर्वाद साथ हो, माता पिता का आशीर्वाद साथ हो, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो बहुत कुछ ज्ञान नहीं था, पर फिर भी 7 दिन मैंने भागवत कथा वृंदावन में की और बहुत हजारों लोगों ने आकर के उस कथा को सुना। भागवत की यूँ तो बहुत सारी बातें हैं देवी चित्रलेखा जी, जो एक इंसान अपने जीवन में अमल में ला सकता है, जीवन शैली है एक तरह से पूरी की पूरी भागवत। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में, जब तरह तरह की समस्याएं हैं, प्रेशर्स हैं, भागवत की कौन सी बातें हैं जो एक आम आदमी अगर अपने जीवन में समावेश कर लेगा तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी? क्योंकि हर कोई तो संत नहीं बन सकता, हर कोई तो अध्यात्म की तरफ अपना जीवन जो है नहीं पूरा डिवोट कर सकता। नहीं देखिए, संत होने का मतलब बस कपड़े बदलना नहीं है, आप जिस भी फील्ड में हैं आप वहाँ संत बन सकते हैं। संत होना एक विचारधारा है, एक स्वभाव है, और उसके लिए मुझे लगता है जैसा आपने कहा, हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता है। हमें आज संसार भी साथ लेके चलना है, अध्यात्म भी साथ लेके चलना है। तो मुझे लगता है सबसे जो अच्छी चीज़ आप भागवत से सीख सकते हो वो ये है कि जो भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में अर्जुन को कही है कि तू किसी भी चीज़ को ये मत मान कि मैं कर रहा हूँ, तू उस चीज़ को बस एक रिमोटली कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो एनर्जी है
वो भगवान की है, वो धर्म की है, वो अध्यात्म की है, और उसको आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आज के जो टाइम में ज़्यादातर जो आज के युवा हैं वो डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, उसका जो मेन कारण है वो यही है कि वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को अपना मान करके चल रहे हैं कि मैंने किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। अगर वो अध्यात्म से थोड़ा जुड़ जाएंगे तो उनको समझ आएगा कि कर मैं रहा हूँ लेकिन कराने वाला कोई और है, और वो कभी गलत नहीं करा सकता। अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो वो हर समय आपको एक रास्ता दिखाने के लिए तैयार होगा, और अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो आप कभी भी ना गलत रास्ते पर जाएंगे और ना आप कभी भी इन सब जो आजकल चीज़ें बढ़ रही हैं इनका शिकार होंगे। देवी चित्रलेखा जी, हर कोई आजकल इस ज़िंदगी में ये पूछता है कि खुश कैसे रहे। किसी के पास सब कुछ है लेकिन खुशी की तलाश में आदमी मारा मारा फिर रहा है। कोई किसी गुरु के चरण पकड़ रहा है, कोई किसी आध्यात्म के लिए किसी योग सेंटर जा रहा है, तमाम चीज़ों की तलाश रहे हैं कि खुशी मिल सके आदमी को। खुश कैसे रहे हों? देखिए, ये बात शायद सबने सुनी होगी कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। जैसे कभी कभी एग्जाम्पल दिया जाता है एक हिरन का, जिसके नाभि में कस्तूरी होती है, वो सुगंध को खोजने के लिए पूरे जंगल में भटकता है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती कि खुशबू आ कहाँ से रही, क्योंकि वो उसके भीतर से आ रही है। तो अगर आप खुशी की बात करेंगे, सबसे बड़ा आदमी दुखी संसार में वो है जो अपनी खुशियों को दूसरे पे निर्भर करके चलता है। जब उसे लगता है ये आदमी मुझे खुशी देगा, आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने मन को और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या, हम दूसरे वाले को कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी खुशियों को और अपने सुख को खो देते हैं। मैंने इससे ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी, ऐसा बोले, लेकिन वो नहीं बोलेगा तो धीरे धीरे मैं दुख की ओर अपने आप बढ़ जाऊँगी। तो मैं ये नहीं कह रही कि एक्सपेक्टेशन हम ख़त्म कर दें, ऐसा तो फिर दुनिया में सब आपने जैसा कहा संत बन जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर करिए कि जो खुशी आपके अपने भीतर है उसको पहचानने की कोशिश करिए। और वही खुशी जब हमेशा हमने सुना है कि जब आप दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करते हैं तो अपने आप आती है। जैसे मेरे हाथ में अगर मैं किसी को फूल दूंगी तो मेरे हाथ में खुशबू आएगी, मैं किसी को कोयला दूंगी तो मेरे हाथ में अपने आप मेरे हाथ काले हो जाएंगे। हम दूसरों को दुख देते हैं तो वो रिटर्न में होके हमारे पास आता है, ये लॉजिक है कर्म का। तो अगर आप वही खुशी दूसरों को देने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली घूम करके आपके पास और आपकी लाइफ में भी अपने आप आ जाएगी। देवी चित्रलेखा जी, एक बात बताइए कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में सनातन क्या सीख देता है कि भाई कर्मकांड कितने ज़रूरी हैं? जी, आदमी के पास यहाँ पर सांस लेने की फुर्सत नहीं है, दिन कब शुरू होता है, कब खत्म हो जाता है, हर एक की यही शिकायत रहती है कि सांसारिक जीवन में ईश्वर को कैसे याद करें। तो आप क्या कहेंगी कि ईश्वर से जुड़ने का क्या माध्यम हो? कर्मकांड कितने ज़रूरी हैं, पूजा करना कितना ज़रूरी है, मंदिर जाना, व्रत रखना कितना ज़रूरी है? नहीं देखिए, इस दुनिया में ना जितने भी लोग हुए हैं, जिस भी क्षेत्र में हुए हैं, उनके पास 24 घंटे ही थे, कोई 25 घंटे लेके पैदा नहीं हुआ है। चाहे वो भक्ति वाले लोग हुए हों, चाहे वो पॉलिटिक्स वाले, सबके पास 24 घंटे। पहली बात जो ये रहता है ना कि हमारे पास समय नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल जो चीज़ें हमारे पास घंटों घंटों में होती थी आज इंस्टेंट हो जाती है, तो समय तो हमारे पास पहले के हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस टाइम को, हम उस समय को गलत जगह पर यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए जहाँ हमें फ़ोन में कुछ समय दे करके अपने उस समय को फिर अपने करियर के लिए या भजन के लिए, पूजा कर्मकांड के लिए यूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा समय हम दूसरी जगह टीवी देखने में, एंटरटेनमेंट में, दूसरी चीज़ों में, जहाँ दीजिए समय लेकिन उसका एक टाइम रख करके, उसकी एक लिमिट रख करके। जहाँ तक बात आपने पूछी धर्म की, पूजा पाठ की, कर्मकांड की, तो ये नहीं आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को अंधकार की ओर लेकर के जाएंगे। इस दुनिया में ये सिखाया गया है कि धर्म जो है वो हमारी नींव है, पूजा जो है, भक्ति जो है, अध्यात्म हमारे जीवन की फाउंडेशन है। सोचिए, अगर फाउंडेशन ही मजबूत ना हो तो आपके घर का आप कितना भी सुंदर ढांचा बना दो, कभी भी हवा आएगी वो पूरा की पूरा उजड़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, धर्म आपको, धर्म का मतलब ही होता है धारयति इति धर्म, जो आपको संभाल करके रखता है, जो आपको गलत चीज़ों से रोक करके रखता है, वही धर्म है। तो मुझे लगता है जीवन में जितना सांस लेना ज़रूरी है, जितना भोजन ज़रूरी है, उतना भजन पूजा पाठ भी ज़रूरी है। आपने भजन का जिक्र किया, आपके बहुत सारे भजन जो हैं आपके चाहने वालों को बेहद पसंद आते हैं और प्रभु की लीला में लीन हो जाते हैं।
अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं चाहूँ कि अगर हमारे दर्शकों के लिए भी आप एक भजन गुनगुना सकें और उसके बाद हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। जी, मैं राधा रानी का एक छोटा सा भजन गाऊंगी क्योंकि वहाँ मेरी बहुत श्रद्धा है राधा रानी के प्रति, तो उन्हीं के चरणों में भाव है। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, मुझ पर भी कृपा बरसा दो, ले विश्वास में द्वार पड़ो, ले विश्वास में द्वार पड़ो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। बहुत खूब, राधा रानी की कृपा सब पे बनी रहे। राधा रानी का जिक्र हुआ है तो सनातन में बार बार राधा और कृष्ण के रिश्ते को लेकर भी कई ऐसे लोग होते हैं जो सवाल उठाते हैं, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई राधा और कृष्ण के रिश्ते के ऊपर कहते हैं कि वो भी तो प्रेमी और प्रेयसी थे, उनकी शादी थोड़ी हुई थी। तो ऐसे तमाम लोगों को आप क्या उत्तर देना चाहेंगी? कई लोग जो हैं कृष्ण का नाम लेकर अपने बहुत सारे गलत को साधने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं यही कहूँगी, जो लोग ऐसी बातें करते पहले एक बार थोड़ा टाइम निकाल के अपने घर बैठ करके अपने ग्रंथ पढ़ के देखिए, श्रीमद् भागवत पढ़ के देखिए, जिनमें राधा कृष्ण की कथाएं लिखी हैं उन किताबों को पढ़ के देखिए जो हमारे ऋषियों ने लिखी है। आजकल कोई भी आदमी आके राधा कृष्ण पर टिप्पणी कर देता है, ये उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है भगवान के लिए, वो भगवान जो सर्व सामर्थ्य हैं, जिसके बारे में आप, अब मुझे अगर किसी फील्ड के बारे में नहीं पता और मैं वहाँ जाकर के उस पर बोलूँ तो मेरी मूर्खता है। तो ये आजकल के खासकर जो युवा हैं उनको लगता है लड़का लड़की का प्रेम मतलब राधा कृष्ण का प्रेम, लेकिन वो प्रेम जो था वो एक दुनिया से परे का प्रेम है, वो निस्वार्थ प्रेम है, वो आज का प्रेम नहीं है कि जहाँ केवल अपनी इच्छा। देखिए, संसार का प्रेम क्या होता है, मैं जो चाहूँ वो आप करो तो मेरा आपसे प्रेम है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मेरा प्रेम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहीं आप राधा कृष्ण के प्रेम को देखें, भगवान श्री कृष्ण चले गए ब्रज छोड़ करके, लेकिन श्री राधा रानी का प्रेम कम नहीं हुआ, हर पल बढ़ता गया, हर क्षण बढ़ता गया, यानी उस प्रेम में अपना स्वार्थ नहीं था, मेरा प्रियतम सुखी रहे, कृष्ण सुखी रहे, जहाँ रहे वो प्रसन्न रहे, ये राधा रानी का भाव था। तो राधा कृष्ण के प्रेम को कंपेयर करना, ये मुझे लगता है, मैं कथाओं में भी बोलती हूँ, सब बच्चों को भी बोलती हूँ कि ये बहुत गलत बात है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो पहले उनकी जीवनी पढ़ो, उन्होंने कैसे क्या क्या किया, वो जब आप पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि हम तो उनके चरण की धूल के बराबर भी नहीं है, तो कहाँ का कंपेरिजन। तो पहले कृष्ण को पूरा जानो, भगवद गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, और तब अपनी ये जो भाव है तब आप व्यक्त करो, अन्यथा हमें उनके प्रेम पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। जी देवी चित्रलेखा जी, ये बताइए कि सनातन में बेटा बेटी में फर्क है क्या, पुरुष स्त्री क्या बराबर नहीं है? जी, क्योंकि इसको लेकर भी बहस छिड़ी रहती है, क्या सनातन, क्या हिंदू धर्म पुरुष और स्त्री को बराबर का दर्जा नहीं देता? तो है ही, लेकिन सनातन ने तो हमेशा स्त्री को ज्यादा महत्व दिया है, बराबरी का तो बिल्कुल है, इसमें कोई दोराय नहीं। सनातन धर्म ने कभी भी किसी भी जगह पर ऐसी टिप्पणी नहीं की है जहाँ ये कह सकें कि स्त्री कम है पुरुष कम है। हाँ, अगर नारी की सहन शक्ति की बात करें तो उल्टा नारी को ज़्यादा महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें एक चीज़ों को संभालने की ताकत शायद ज़्यादा है, इसलिए उसको अभी नवरात्रि के समय हम 9 दिन माता की पूजा करते हैं, माता की 9 रात आती हैं तो भगवान शिव की बस एक ही रात आती है। और इतिहास भी देखें, जहाँ मनु महाराज से हमारा ये संसार बना, ये विश्व बना, तो मनु महाराज के 3 पुत्रियाँ थी, 2 बेटे थे, वहाँ भी जो है नारी का सम्मान रहा है और शास्त्र ने कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन फिर भी आज के युग को देखते हुए मैं तो ये कहती हूँ कि ना पुरुष बड़ा है ना नारी बड़ी है, भगवान को और हमारे धर्म ने भी सिखाया है, सबको भगवान ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ दी हैं,
जैसे आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, वैसे ही एक पुरुष की और एक नारी की भी अपनी अपनी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो अपने अच्छे से निभा रहे हैं। इसमें कंपेयर करना मुझे नहीं लगता हमारे धर्म ने कभी भी सिखाया है। आज के लोगों को भी इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए, धर्म कभी भी बंटवारा नहीं सिखाता, भेदभाव नहीं सिखाता। धर्म ने हमेशा सबको बराबरी का आंका है और उसी धर्म को लेके हमें भी चलना चाहिए। क्या सनातन कहता है कि सनातन परिवार में एक पुत्र का जन्म होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हम देखते हैं बढ़ती जनसंख्या के बीच में लोग एक बेटे की चाहत में न जाने कितने बच्चे पैदा करते जाते हैं, तो क्या सनातन में मोक्ष का मार्ग जो है पुत्र की मुखाग्नि से ही जुड़ा हुआ है? जी नहीं, देखिए सनातन में ये जरूर लिखा है कि पुत्र जो होता है वो आपको पुन्नाम नामक एक नरक होता है उससे तारता है, उसी को पुत्र कहते हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो क्या हर एक पुत्र के भीतर उतनी पवित्रता है कि वो अपने पिता को तार सके? क्या वो इतने पवित्रता से अपना जीवन जी रहा है कि उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो अपने पिता को नरक से तार सके? मुझे नहीं लगता ऐसा है। तो उसके लिए हमें इस बात को आज के युग में कई चीज़ें क्या होती है ना, कभी कभी समय के अनुसार बदलनी चाहिए। धर्म भी कभी भी कट्टरवादिता को नहीं फैलाता है। धर्म की कुछ फिलॉसफी होती है, वो टाइम के अनुसार से थोड़ी आगे पीछे बदलती है और उसको हमें स्वीकार भी करना चाहिए। अगर कहीं लिखा है कि पुत्र हमें नरक से तारता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुत्री का वहाँ पर कोई काम नहीं है या उसके लिए एक वंश को चलाने के लिए पुत्र की ही आवश्यकता होती है। तो ये जो चीज़ें, ये समय के हिसाब से कलयुग चल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। पुत्र होना बुरी बात नहीं है, बेटा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आजकल उसके पीछे जो पाप हो रहा है कि बेटी है तो उसका गर्भपात करा दिया, उसकी हत्या करा दी, ये बहुत बड़ा पाप है। अगर आप ये देखते हैं कि पुत्र होना पुण्य, तो पुत्री का ना होना ये भी तो पाप है। बेटी का घर में होना, ये हमारा शास्त्र कह रहा है, सनातन कह रहा है कि बेटी घर में होगी तभी आपके घर में लक्ष्मी होगी। तो अगर आप उस चीज़ को देखते हैं तो ये भी देखना चाहिए, और अपने घर की चाहे बेटी हो, बहू हो, पुत्री हो, बहन हो, उसका पूर्ण सम्मान होना चाहिए। दिव्य चित्रलेखा जी, एक बात बताइए, क्या सनातन इजाज़त देता है प्रेम की, प्रेम विवाह की, और दूसरे मजहब के लोगों के साथ प्रेम की और आगे परिणय सूत्र में बंधने की? देखिए प्रेम, जैसा मैंने कहा, मैं इस प्रेम शब्द को कभी भी संसार के लिए तो उपयोग करूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं कथाओं में बोलती हूँ ये प्रेम नहीं है। सुबह बोलते हैं आई लव यू, शाम को बोलते हैं आई लीव यू, तो ये काहे का प्रेम है? आजकल के जो बच्चा बच्ची कॉलेज में जाते हैं जिनको प्रेम का ABCD भी नहीं पता, वो कहने लगते हैं हम ये कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। रही बात दूसरे धर्म की, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब भगवान किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी परिवार में आपको जन्म देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस स्थान के लिए एकदम परफेक्ट हो। आपको भगवान ने इसीलिए उस ड्यूटी को निभाने के लिए दिया। मैं जाति इसलिए नहीं बोल रही कि आप ब्राह्मण परिवार में हो गए तो बस इसलिए ब्राह्मण हो गए, क्योंकि आपकी ब्राह्मण होने के बाद एक ड्यूटी है कि आप समाज के मार्गदर्शक हो, आपको ज्ञान, वेद, शास्त्र, पुराण, ये सब लोगों तक पहुँचाना है। वहीं अगर आप किसी दूसरे के धर्म या दूसरी जाति में जीवन में चले जाते तो आपकी ड्यूटीज चेंज हो जाती हैं और फिर आपको उनके साथ कोऑपरेट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस लिहाज से अगर मैं अपने विचार व्यक्त करूं तो मुझे लगता है जिस धर्म, जिस परिवार में भगवान ने आपको जन्म दिया है, आप प्रयास करें कि आप उसी ओर आगे बढ़ें, ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आगे बढ़ा सकें। देवी चित्रलेखा जी, सनातन जो है कहते हैं कि एक वे ऑफ लिविंग है, हिंदू धर्म जो है वो एक पंथ ना होकर एक जीवन जीने की शैली है। तो ऐसे में आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि आजकल सनातन में चमत्कार का बोलबाला हो गया है, बागेश्वर महाराज चमत्कार दिखा रहे हैं जो कई सवालों में आ रहे हैं, और बागेश्वर महाराज के बाद पंडोकर सरकार, करौली बाबा, न जाने कितने संत आ गए हैं जो चमत्कार का दावा कर रहे हैं। देवी चित्रलेखा जी भी क्या ऐसे चमत्कार करती हैं और इन दावों को किस तरह से देखती हैं? नहीं, मेरे जीवन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। मैं एक वैष्णव परंपरा से हूँ, मैं एक भक्ति मार्ग से हूँ, और भक्ति मार्ग का जो पथिक होता है ना, उसको अपने भगवान के, अपने ठाकुर जी के अलावा और दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। मैं अक्सर कहती हूँ, जो जैसे आपने पूज्य महाराज श्री का नाम लिया, तो मैं उनका
एक धर्म प्रचारक के रूप में, एक संत के रूप में सम्मान करती हूँ कि उन्होंने धर्म की चीज़ों को लोगों तक पहुँचाए। जहाँ तक बात रही चमत्कार की, भविष्य की, मैं उसमें, ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, मैं उसमें विश्वास इतना नहीं रखती, क्योंकि हमेशा से मेरे गुरुदेव ने ये सिखाया है, भजन करो, कर्म अच्छा रखो, भविष्य कभी मत जानो। मैंने आज तक कभी अपना हाथ नहीं दिखाया, कभी कोई जन्म कुंडली नहीं बनवाई। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है कृष्ण मेरे साथ है, वो जहाँ लेके जाएगा, वो गिराएगा भी तो संभालने के लिए वही खड़ा होगा। तो मैं क्यों किसी के पास जाकर के अपना भविष्य जानूं, ये सब जानने की कोशिश करूं। और जहाँ तक बात रही मेरे दुख की, मेरे सुख की, तो मेरे अपने कर्म हैं, कोई दूसरा आदमी आकर के मेरे दुखों को मुझसे छीन नहीं सकता है। अगर मैं अच्छा कर्म करूंगी तो मैं सुखी रहूंगी, मैं गलत करूंगी तो मैं दुखी रहूंगी। और कोई अगर आपको ये गारंटी देता है कि मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात रखनी हो तो मैं बस इतना ही रखूंगी कि एज अ प्रचारक सबका सम्मान है मेरी नज़रों में, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मेरा ज़्यादा चमत्कार में उतना, या कह लीजिए मुझे नॉलेज भी नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि मेरा बस एक ही है, हरे कृष्ण भगवान का नाम लेना और कर्मों। अच्छा एक बात बताइए कि क्या भूत पिशाच होते हैं हमारे इर्द गिर्द, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पूरे उसमें फंसते चले जा रहे हैं कि भूत पिशाच। मैं ऐसा नहीं कह सकती नहीं होते, क्योंकि मैं जिस श्रीमद् भागवत की कथा करती हूँ, उसका जो पहला श्रोता था वो धुंधकारी था, वो एक प्रेत था, वो आया, 7 दिन उसने कथा श्रवण की और मुक्त हो गया। तो भूत नहीं होते ऐसा तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, कि भागवत का पहला ही प्रसंग ये है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसके आसपास कोई भी दुनिया का भूत, प्रेत, गलत एनर्जी, कोई ग्रह उसको छू भी नहीं सकता। जैसे जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ हो तो नीचे वाले जो लोग होते हैं उसे डरते हैं कि भैया इसकी पहुंच वहां तक है। तो जो भगवान का भक्त होगा, जो कृष्ण की भक्ति करेगा, जो राधा रानी की भक्ति करेगा, कोई भूत प्रेत उस किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं कहती हूँ मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राधा रानी की भक्त हूँ, और उसी भरोसे पर कहती हूँ अगर है तो कोई मेरे ऊपर डाल के दिखाए। तो होते हैं ऐसा तो है, लेकिन जो आजकल उस चीज़ को एक अंधविश्वास के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ ज़्यादा भूत प्रेत ये माताओं को ही क्यों आते हैं, पुरुषों को इतने क्यों नहीं आते? क्योंकि वो एक, कोई होता ना कभी कभी आप ज़्यादा धर्म में डूब जाते हैं, वहाँ की एनर्जी आपको लग रही है, जोर जोर से संकीर्तन हो रहा है, तो आपको ऐसे लगने लगता है कि आपके भीतर कुछ है। वो होता कुछ नहीं, वो एक प्रकार की उत्साह है जो आपको वहाँ देख करके, सबको देख करके आपको लगा कि आपके भीतर भी है। तो उससे ये कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए सबको कि हजारों लोग हैं और हजारों के ऊपर भूत प्रेत है। मुझे नहीं लगता कि ये बात कहीं तक सच है। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया तो देवी चित्रलेखा जी हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री को किस तरह से देखती हैं, क्योंकि धर्म का खूब प्रचार प्रसार वो भी करते हैं? नहीं, इस बात में कोई दोराय नहीं। और आज का जो संत समाज है, प्रवक्ता समाज है, वो कभी भी इस बात को कहने में चूकता नहीं, शर्माता नहीं कि हमारे जो वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने धर्म के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लगातार करते आ रहे हैं। अब देखो, वैसे तो बुराई भी कहने वाले हजारों लोग होते हैं, और एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत चूक भी रहती हो, लेकिन हमें जो चीज़ उन्होंने अच्छी की है उस पर ध्यान देना, कितने अच्छे अच्छे काम धर्म के लिए हो रहे हैं, लोग धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भगवान की, कि हमारे पास अभी एक ऐसी सरकार है जो धर्म के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, और इसके लिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं वो सम्मान के पात्र हैं। देवी चित्रलेखा जी, क्या हिंदू राष्ट्र की मांग, बहुत सारे संत जो हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, संतों का और नेताओं का बड़ा गठबंधन हो रहा है आजकल, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या वाकई में सनातन को, हिंदू धर्म को किसी राष्ट्र तक बांधने की जरूरत है, और नेता और संत समाज का एसोसिएशन कितना सही लगता है आपको? देखिए, नेता मतलब राजनीति और धर्म का जो गठबंधन है वो आज से नहीं होता आया है, बहुत पहले से ही। पहले के जो राजा होते थे, अपनी सभा में जैसे एक एडवाइज़र होता है, उस रूप में एक संत समाज होता था, वो उनको जाकर के थोड़े सुझाव देते थे। इस रूप में एक संत का होना बहुत अच्छा है राजनीति में, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार की राजनीति में ज़्यादा संत समाज को प्रवेश करना चाहिए। जहाँ तक बात रही
उनका सहयोग करने की, जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी का बोला, तो उनको लाने में भी, उनको आगे बढ़ाने में भी कि यही आने चाहिए, कितना संत समाज ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और वो किसी स्वार्थवश नहीं कि उनको कोई स्वार्थ था, बस ये स्वार्थ था कि शायद ये हमारे धर्म को बचा पाएंगे, शायद ये हमारी गौ माता को बचा पाएंगे। तो अगर उस तरीके का गठबंधन हो तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दोष है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि हिंदू हमारा जो सनातन धर्म है, भारत हमेशा से ही आध्यात्मिक देश है। हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हम सनातनी हैं, हमारा सनातन में जन्म हुआ है, और वो सनातन आज कल परसों किसी का बनाया नहीं, वो अनादि है, उसका आप कोई ये नहीं बता सकते कि इस दिन से ही शुरू हुआ है, यानी हमारा जन्म, हमारा कर्म सब कुछ वही है। और क्यों बार बार इस चीज़ को लाया जाता है कि धर्म मतलब कोई एक एक प्रकार का फ्रेम मान दिया जाता है कि इतने फ्रेम में ही आप रहोगे, इससे बाहर जाओगे तो आप धर्म से बाहर हो। मुझे नहीं लगता ऐसा है। अगर कोई व्यक्ति किसी और रूप में भी मेरे भगवान को मानता है, जैसा हम हमेशा से कहते आए कि अलग अलग भगवान के रूप होते हैं, कोई कृष्ण मानता है, कोई राम मानता है, कोई दुर्गा मानता है, सबके अलग अलग रूप हैं। एक एक दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के 100 पिता का जो चेहरा वो अलग अलग होगा, पर सबके लिए अपने पिता का सम्मान बराबर ही होता है। ठीक वैसे ही किसी भी रूप में आप देखिए, बस ये ध्यान रखिए कि मुझे मेरे धर्म के लिए सबसे बड़ा, मैं उसका अपमान नहीं होने दूंगा, बाकी सबका सम्मान मेरे लिए बराबर है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़ी देवी चित्रलेखा जी, और तमाम मुद्दों पर आपने बेबाकी से अपने जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते भी आपसे हरि का नाम लेने को कहूँगी, बाकी बिहारी को याद करने को कहूँगी अपने किसी सुरीले भजन के साथ, और उसी के साथ इस कार्यक्रम को भी खत्म करूँगी। जी, एक संकीर्तन है, अक्सर सब लोग उसे जानते, तो उसकी दो लाइन में गाती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस चैनल, इस कार्यक्रम पर बुलाने के लिए। शुक्रिया।